हेलो एवरीवन, ग्रेटिट्यूड टू आवर मास्टर डॉक्टर हनीमन सर, डॉक्टर एम एल सेगल सर फॉर गिविंग अस सच अ डिवाइन साइंस. सो लेट्स कंटिन्यू आवर जर्नी इन होम्योपैथी. आई विल नरेट अ स्मॉल केस. प्लीज ट्राई टू फाइंड आउट द रूब्रिक्स एंड द रेमेडी. वन फ्राइडे नाइट व्हेन आई वाज अबाउट टू क्लोज माय क्लिनिक, वन 55-year-old मेल पेशेंट केम टू मी. उन्होंने मेरे को बोला, डॉक्टर साहब आप प्लीज़ घर पे चलिए, मम्मी को देखने का है. रात भर सोती ही नहीं और चिल्लाते रहती है. मैं बोला ठीक है. तो इट वाज अराउंड 11 o'clock एट नाइट. जब मैं घर पे गया उनके, तो हर हिज मदर वाज अराउंड 90 years old. सी वाज हैविंग सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ बोथ द नी जॉइंट्स. सी हैड अ सीवियर पेन इन बोथ द नी जॉइंट्स विद सीवियर बॉडी एक. सी वॉज ऑन ट्रीटमेंट फॉर हाइपोथायरॉयडिज्म, वेरियस साइकेट्रिक ट्रीटमेंट एंड ट्रीटमेंट फॉर द हाइपरटेंशन. तो जब मैं गया उनके घर, तो वो जोर जोर से चिल्ला रही थी. और पता चला डॉक्टर आए और जोर से चिल्लाने लगी. बोले मेरे को घुटनों में बहुत दर्द होता है, बदन में बहुत दर्द होता है, इन लोग ठीक से मेरे दवा पानी नहीं करते हैं, मेरी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, और ऐसे ही मुझे उन लोग छोड़ दिए हैं. तो उस टाइम उनकी एक बहू और दो बच्चे लोग, जो दो पोते हैं उनके, वो खाना खा रहे थे. तो उसमें से एक पोता मेरे को बोला भी, एक बच्चे ने मेरे को बोला भी कि दादी दिन भर चिल्लाते रहती है, रात में भी चिल्लाती है ज़्यादा, और यही बोलती कि आप लोग मुझे देखते नहीं हैं, मेरी देखभाल नहीं करते हैं, रात में हमको सोने भी नहीं देती है. डॉक्टर साहब आप प्लीज़ उनको नींद का इंजेक्शन दे दो कि हमको कम से कम रात में सोने दे. रात में आजू बाजू वाले लोग भी आते हैं कि बोलते हैं कि आप लोग उन दादी को बराबर देखते नहीं हैं, क्या है. सो दिस इज़ द शॉर्ट केस. प्लीज़ ट्राई टू एनालाइज एंड कम टू द रेमेडी. थैंक यू.